नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस कॉर्नर में। मैं आपके साथ वीरेंद्र शुक्ला। दोस्तों, आज हम एक मॉडर्न इंडिया के, आधुनिक भारत के इतिहास के टॉपिक से जुड़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों चर्चा में है? आज की तारीख 13 अप्रैल 2019 को 100 साल पूरी हो रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में 18वीं सदी के बाद की महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। 100 साल पूरे हो रहे हैं। बहुत सारा वाद विवाद, बहस, पत्रिकाएं, आर्टिकल बहुत सारे आ रहे हैं। आज ही द हिंदू में भारत के फॉर्मर एम्बेसडर हैं श्री नवतेज सरना का द हिंदू में आर्टिकल आया है। बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल आ रहे हैं, तो सारे आर्टिकल को एक साथ मिलाते हुए और पूरी घटनाक्रम से लेकर स्टार टू एंड सारे पक्षों को डील करेंगे। क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्या परिस्थितियां थी, कैसे घटित हुआ, क्या परिणाम रहे, क्या प्रभाव रहे। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर जिले में जलियांवाला बाग था और अब भी है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, मार्शल लॉ लगा हुआ था वहां पर। ब्रिगेडियर जनरल आर डायर ने क्रूरता दिखाई, उस बाग में 30,000 लोग इकट्ठा थे, उन पर अचानक गोलियां चलवा दी। मानवता की त्रासदी का एक काला दिन, एक भयावह दिन, एक बर्बर दिन, सभ्यता के इतिहास में एक काला दिन के रूप में जलियांवाला बाग हत्याकांड दर्ज है। इस घटना ने देश ही नहीं दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया, बर्बर स्वरूप उजागर हो गया ब्रिटिश सत्ता का। तो आज बात करेंगे कि परिस्थितियां क्या थी। 1885 के बाद हमारे देश में स्वतंत्रता के आंदोलन में स्वतंत्रता का दौर माना जाता है। हमारे देश का स्वतंत्रता आंदोलन कई चरणों से होकर गुजरता है। देश का स्वतंत्रता आंदोलन 1885 में जो उदारवादी आंदोलन के साथ, उदारवादी स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होती है। 20 साल बाद ये उदारवादी स्वतंत्रता का आंदोलन उग्रवादी स्वतंत्रता के आंदोलन में बदल जाता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। ब्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता जैसे तमाम उदारवादी नेता भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ते हैं। ब्रिटिश से मांग करते हैं कि हमें स्वशासन दिया जाए, हमारी मांगे सुनी जाए। 20 साल हो जाते हैं, कोई परिणाम नहीं आता है। ब्रिटिश इन उदारवादी जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे इनको नहीं सुनते हैं, तो फिर स्वतंत्रता आंदोलन का एक नया चरण आता है। ये आता है उग्रवादी आंदोलन। इसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष जैसे अनेकों अनेक उग्रवादी विचारधारा के समर्थक आते हैं और उदारवादियों से कहते हैं कि ब्रिटिश सत्ता से भीख मांगना बंद करो, इस राजनीतिक भिक्षावृत्ति से हमें देश की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। आप एक साल में इकट्ठा होते हो और मेढक की तरह जो टर्राते हो, इस तरह से ब्रिटिश हमें स्वतंत्रता देने वाले नहीं है। इसी समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का। बंगाल विभाजन के पीछे उद्देश्य था इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर किया जाए, और लॉर्ड कर्जन ने तर्क दिया कि प्रशासनिक असुविधा की वजह से हम बंगाल के विभाजन को कर रहे हैं। इस देश के बुद्धिजीवियों ने बंगाल के विभाजन के पीछे ब्रिटिश की जो चाल थी उसको पकड़ लिया कि इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। स्वदेशी आंदोलन चला और इस देश का जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो और उग्रवादी चरण में प्रवेश कर गया, और इसी उग्रवादी चरण से आंदोलन की एक नई क्रांति का, एक नई धारा का उद्भव हुआ, जो जिसे कहा जाता है
क्रांतिकारी हथियारबंद विचारधारा या क्रांतिकारी आंदोलन का उद्भव। इस क्रांतिकारी आंदोलन के उद्भव के लिए इन लोगों ने हथियार उठा लिए थे। इसके दमन के लिए ब्रिटिश अनेक कानून लेके आए। 1919 में जो एक रक्षा कानून था ब्रिटिश का, वो कानून समाप्त हो रहा था। अब नए कानून की जरूरत थी, क्योंकि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का दमन करना था, इसको कुचलना था। इसी समय ब्रिटिश सत्ता ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी से एक कानून का विधेयक तैयार करने को कहा, जो इस देश में भारत के जो स्वतंत्रता का क्रांतिकारी आंदोलन था इसको दमन कर सके। सिडनी रॉलेट ने यह कानून तैयार किया, इसे क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम 1919 का नाम दिया गया। मार्च 1919 में यह कानून पारित हुआ। इसी कानून को कहा जाता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के ही विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लोग जलियांवाले बाग हत्याकांड में पूरे देश में रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे और जलियांवाला बाग में भी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए ही एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की थी और इसी भीड़ पर गोलियां चलवाई थी आर डायर ने। रॉलेट एक्ट क्या था, क्या प्रोविजंस थे रॉलेट एक्ट के? रॉलेट एक्ट को एक नाम दिया गया, बड़ा फेमस नाम है, बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून। इस कानून के प्रोविजंस ये थे कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके बिना जज के सामने पेश किए हुए उसे उठाकर जेल में डाला जा सकता था। शक के आधार पर पुलिस किसी भी व्यक्ति को उठाकर उसे 2 साल तक हिरासत में रख सकती थी। जाहिर सी बात है, जो कानून गलत उद्देश्यों से लाया गया था उसका दुरुपयोग होना लाजमी था। इसी को लेकर इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग विरोध कर रहा था। मार्च 1919 में यह कानून पारित होता है और 30 मार्च 1919 को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। इस विरोध प्रदर्शन में पुलिस से टकराव होता है और पांच लोगों की मौत हो जाती है गोली से। इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश के सभी शहरों में आक्रोश उभर कर आता है और पुलिस और जनता के बीच हिंसक टकराव शुरू हो जाता है। अलग अलग शहरों में कई हिंसक घटनाएं होती हैं। इसी समय महात्मा गांधी का राजनीति में, सक्रिय राजनीति में प्रवेश हो चुका था। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 के लिए एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। ये आयोजन पंजाब के लाहौर, अमृतसर, सभी जगह पर ये विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ। इसके बाद डॉक्टर सत्यपाल और स्वामी श्रद्धानंद की आमंत्रण पर महात्मा गांधी को पंजाब बुलाया गया। ब्रिटिश ने 8 अप्रैल को महात्मा गांधी पंजाब जा रहे थे, उनको हरियाणा के पलवल में गिरफ्तार कर लिया और महात्मा गांधी को सीधे वहां से मुंबई भेज दिया गया। लोगों में आक्रोश था महात्मा गांधी की गिरफ्तारी को लेकर। 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी गिरफ्तार होते हैं और 9 अप्रैल 1919 को स्थिति और बिगड़ जाती है, जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके विरोध में, बड़े नेताओं के विरोध में एक जुलूस निकलता है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल 1919 को एक जुलूस निकलता है और अंग्रेज पुलिस, ब्रिटिश हुकूमत इस जुलूस को, शांतिपूर्ण जुलूस को रोकने का प्रयास करती है। पुलिस का ये प्रयास असफल हो जाता है और पुलिस गोलियां चलाती है। जब गोलियां चलाती है तो आंदोलन कर रहे 2 सिविल नागरिकों की मौत हो जाती है। इससे जनाक्रोश भड़क जाता है और लोगों में गुस्सा आ जाती है, लोग हिंसा पर उतर आते हैं, हिंसक टकराव होता है और 5 अंग्रेज
मार दिए जाते हैं। इसके बाद पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया, सैन्य शासन लगा दिया और अमृतसर शहर में वहां का शासन ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया। 13 अप्रैल 1919 का दिन था, वैसाखी का दिन था, वैसाख पूर्णिमा का दिन था, एक त्योहार होता है। क्योंकि यह समय फसल कट के घरों में आती है तो लोग इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। जैसे तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, ओडिशा में मनाया जाता है या नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल है। पूरे देश में हर राज्य में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। वैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919, आज ही का दिन, आज से 100 साल पूरे हो रहे हैं 13 अप्रैल 2019 को। वैसाखी का दिन था, शाम 4 बजे जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। ब्रिगेडियर जनरल आर डायर ने इस सभा को सुबह 9 बजे से ही असंवैधानिक घोषित कर दिया। सभा में लगभग 15,000 से 20,000 लोग एकत्र होते हैं। ब्रिगेडियर जनरल आर डायर इस सभा को अल्टीमेटम देता है 3 मिनट में, कि 3 मिनट के अंदर पूरी भीड़ यहां से हट जाए, मैदान खाली कर दिया जाए। और इसी बीच में गेट जलियांवाला बाग के गेट को बंद करके पुलिस को या सेना को गोली चलाने का आदेश आर डायर ने दे दिया। आर डायर मौके पर उपस्थित था। लगभग 1650 राउंड गोलियां चलती हैं, रक्त से सराबोर हो जाता है जलियांवाला बाग। एक तरीके से एक मानवता की एक त्रासदी आ जाती है, इंसानियत से एक ब्रिटिश का पटाक्षेप हो जाता है, ब्रिटिश का एक बर्बर स्वरूप उजागर हो जाता है। पूरे देश और दुनिया की अंतरात्मा, जनमानस की अंतरात्मा कांप उठती है। इसके बाद पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने ब्रिगेडियर जनरल आर डायर की कार्रवाई की समर्थन में तारीफ किए, इसके समर्थन में कसीदे करे। माइकल ओडायर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने आर डायर की प्रशंसा की और कहा तुम्हारी कार्रवाई ठीक है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, गवर्नर इसे स्वीकार करता है। आर डायर को जो ब्रिटिश अखबार थे, किसी ने साम्राज्यवाद का रक्षक कहा तो किसी ने साम्राज्यवाद के शेर की उपाधि दी। हंटर कमेटी का गठन किया गया, इसमें 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। अंग्रेजों ने सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म किया डायर का, कहा उसने जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया, जबकि भारतीय सदस्यों ने इस अमानवीयता की कड़ी निंदा की। इसके बाद एक तहकीकात कमेटी थी जिसमें महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश से मिली नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उस समय वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य सर शंकर नारायण ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पूरे देश में एक भय का माहौल, एक आतंक का माहौल छा गया। इसके बाद महात्मा गांधी ने आगे के लिए, भविष्य के लिए असहयोग आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने आगे असहयोग आंदोलन किया, तेजी से एक के बाद एक आंदोलन करते गए और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बाद इस देश को आजादी की ओर लेकर बढ़ते हैं। तो यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश का साम्राज्यवादी चेहरा उजागर हो गया, उसकी मंशा, उसका उद्देश्य, शासन करने के तौर तरीके स्पष्ट हो गए। निश्चित तौर पर जलियांवाला बाग हत्याकांड मानवीय सभ्यता में एक काला दिन है, मानवता के लिए एक
त्रासदी वाला दिन है, जो बर्बरता, जो क्रूरता, जो निर्दयता दिखाई गई थी। निश्चित तौर पर इसे कायराना हरकत कहा जाएगा, क्योंकि निहत्थे लोगों पर इतनी भारी मात्रा में सेना के द्वारा बल प्रयोग किया गया था, गोलियां चलाई गई थी। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं थेरेसा में, इन्होंने डीप रिग्रेट प्रकट किया है, जबकि ब्रिटिश संसद के कई सांसदों ने, कई पार्टियों के एमपीज ने सरकार से माफी की मांग की है। तो यह था एक कंप्लीट एनालिसिस। 100 साल आज पूरे हो रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के। तो इसी के साथ इस देश के जो पीड़ित लोग थे, उन पीड़ित लोगों की आत्माओं को शांति मिले, जो उनके परिवार के लोग हैं उनके साथ संवेदनाएं, और इसी के साथ तमाम अनाम गुमनाम शहीदों को सत सत नमन। 100 साल पूरे हो रहे हैं इस भारतीय इतिहास के काले अध्याय के। तो ये था पूरा डिटेल जलियांवाला बाग हत्याकांड का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जुड़े रहिए आप आईएएस कॉर्नर के साथ। आईएएस कॉर्नर ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।